हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभिषेक यहाँ पर कपिल के ही शो पर आकर तूने कपिल का शो ले लिया ना? कहाँ कपिल का शो ले लिया, पैसे तो वही ले रहा है। चलिए, हमेशा की तरह मुझे बहुत मजा आता है कपिल के शो पे आने के लिए। यहाँ अर्चना जी मिलते हैं, ये सब लोग मिलते हैं, आप सब से मुलाकात होती है और हंसता खेलता शो है। किसी बात की टेंशन नहीं होती है। अब मैं आपके सामने जो होस्ट है हमारे कपिल शर्मा जी। कपिल शर्मा जी, अब आ रहा बहुत भाई भाई, प्रणाम। और एक बार जोरदार तालियां अक्षय बाजी के लिए। और कुछ बचा कर लो, मैं आता हूँ। आजा 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 आजा। मेरे को डर लग रहा था, मैंने कहा चैनल ने कोई नया जादू का शो शुरू कर दिया पाजी को। आजा 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 आजा, ये तेरे टीआरपी के लिए ही हो रहा सारा कुछ। मैंने एक बात बतानी थी आपको। बताओ। गेट के बाहर ना एक लाल रंग का गमला है, उसके नीचे चाबी रखी रहती है हमारे यहाँ की। हाँ। जब आपका मन करे आके शुरू करके चले जाया करो, उधर रख दिया करो। तो तेरे को कैसे पता? मुझे नहीं पता इसके बारे में। तेरी चाबियां जिस जिस घर के कहाँ कहाँ पड़ी है सब पता है। तूने कितने घर ले रखे हैं, लोखंड वाला से लेके बांद्रा तक, इस आदमी के इतने घर हैं। इतने घर हैं। ये जब आया था रेंट पे रहता था, कहीं 100 रुपए का रेंट देता था। 100 रुपए का रेंट मुंबई में कहाँ होता है बताओ आप? मैंने 300 का दिया है। आप आई भी तो 1960 में थी। मेरी बात सुनो, पहले मुझे लगता था हमारे शो में पाजी की फिल्में आती है। हाँ। अब मुझे लगने लगता है इनकी फिल्मों में हमारा शो बीच बीच में आता है। अतरंगी के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया। वैसे सर, पिछली बार आप आए थे, आपने एक वादा किया था मुझसे कि ये और इनके साथी कलाकार जो मेरा मजाक उड़ाते हैं आप उसका बदला लोगे, तो आज वक्त आ गया है कि आप अपना वादा निभाएं। इसको याद रहता है। और कुछ याद रहे ना रहे, कोई डायलॉग याद रहे ना रहे, लेकिन ये सारी चीजें इसको याद रहती है। चलो बुलाओ, कहा सब लोग। आज हम करेंगे उनका बीकेपी। बीकेपी मतलब बेइज्जती का पिटारा। ओके, आओ। आज जो इस लड़की को पिछले शो में वादा किया था वो वादा पूरा करने का वक्त आ चुका है। सबको बुलाइए बुलाइए, आइए। आओ फटाफट, चार चार बेइज्जतियां करवाओ और घर निकलो चेक करके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे छोड़ दे, ये पहले पता पैर क्यों पड़ रहे हैं? ताकि आप थोड़ा ख्याल रखो। कैसे आप लोग? सेम वैसे, अभी तक ठीक है। चाय पानी पिला दीजिए। कहां से पिला दूं, उसने अपनी दुकान बंद कर दी। वो बात वो है नहीं, ये आपके जूते पे ये कांटे क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है कहाँ जाएंगे ये जूते। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इस बेचारी को परेशान करते हो, क्यों करते हो? इसके होंठ बड़े हैं, ऐसा क्यों बोलते हो? वो सर पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते हैं। तो क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? नहीं सच्ची में क्यों नहीं बोलते? इतना मजा आता है कि बोला करो। चलो अच्छा, तो तू बता किससे शुरू करें? चंदू से। चंदू भाई आ गया। वो बस करो यार, अभी बेइज्जती होने वाली है। वो इतना बड़ा भी नहीं है। चंदू चंदू ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है। चले रेडी, चंदू जी के बारे में आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ओहो ठीक है, दिखाओ भाई।
दो भाइयों घर में तो माँ कहती है कि वो बच्चे कहते पहले माँ आप कज नहीं थैंक यू तुमने खाए कभी ले लो इसी माने मैं भी ले लूंगा आप ले लो आप ले लो बहुत अच्छा यार चंदू जी आप सबकी फिल्म देने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फिल्म नहीं फिल्म फिल्म मेरी बात सुनो कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है बादाम खा लो थोड़ी अकल आएगी बादाम खाने से अगर अकल आते ना तो ड्राई फ्रूट के बच्चे ना साइंटिस्ट लगे होते ड्राई फ्रूट के नहीं ड्राई फ्रूट बेचने वालों के बच्चे राजी में आपको आलिया भट्ट जी छोड़ गई और अपना बड़ा पछतावे में बड़ा पछतावे में आपको यार हद हो गई है एक बात बता तू इतना घबराया क्यों रहता है तू गए कोई चंबल में शो कर रहा है नेपाल जी देखो तू क्यों इतना घबराया हो रहता है मतलब तू डायपर पहन के किया कर शो पाजी पता क्या चक्कर है गरीब आदमी हूँ मैं इतना मेरा है नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अमीर आदमी के सामने क्या बोलता है यार पता नहीं गरीब आदमी हूं मैं अमीर आदमी के लिए पाजी बस आप समझ जाओ एक बात बताऊं बड़ा प्रोफेशनल आदमी वैसे कैसे सिर्फ लाइनें भूलता है लेकिन दोस्त को कभी नहीं भूला क्योंकि जिस दिन दोस्त को भूलेगा इसको दुनिया भूल जाएगी तुम लोग इसको लक्षद्वीप क्यों नहीं भेज देते हो तो ये वहां पे करेगा क्या जाके तो यहाँ क्या कर रहा है इसको वहां भेजो मेरे साथ फ्लर्ट करता रहता है इस शो में पाजी मैं प्यार करता हूँ भूरी से ये सबको पता है तो एक बात बता तो तेरे लिए क्या लाए लंदन से कोई प्रिंस भेजू फ्लर्ट करने के लिए आई डोंट माइंड माइंड है तेरे पास अच्छा चलिए अगला कौन नोबडी वांट्स टू कम नाउ चाचा जी आइए आओ चाचा जी आओ चाचा जी आइए ये क्या बने हुए हो मैं अपनी तरफ से इन्होंने चाचा बनाया लेकिन लगता नहीं ये चाचा है हाँ जी चलिए चाचा जी का दिखाइए चाचा जी बंद करो ये कौन हो ये शाहरुख खान क्या मतलब किस एंगल से ये आदमी शाहरुख खान लगा तू सब लगता लेकिन शाहरुख खान नहीं लग रहा था इसमें सर मैंने इनको मतलब बोला क्या कोशिश कर रहे थे आप चाचा जी नहीं मैंने इनको मना किया मैंने बोला अक्षय कुमार ना दो कहते फिर तो बिल्कुल भी नहीं लगोगे तो इसीलिए थोड़ा सा अक्षय कुमार चलो मैं मेरी तरफ बन के दिखा गाना नहीं गाना अक्षय कुमार बनना है बन रहा हूं ना मुझे 4 बजे उठा देना लेकिन मुझे कौन उठाएगा 4 बजे सर कमाल देखो अर्चना जी इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें शाहरुख खान नहीं है मेरी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है अभी आप मेरे घर पे आके देखो आटा भी नहीं है चलिए अगला चलते हैं कृष्णा जी आइए कृष्णा जी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ 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 जल्दी शो खत्म करना बेटे जाना भी है मैंने पैर पड़ रहा चलिए सर स्टैंडिंग ओवेशन है हाँ हाँ देखो ये आप लोगों को सीखना चाहिए अपना घर चलाने के लिए ये आदमी मुजरा करता है ऐसा कब किया सर मैंने तेरे स्क्रिप्ट राइटर लिखता है कोरियोग्राफर लिखता है सही है तू जाके डांस किया कर मामा ने डांस सिखा के मार्केट में छोड़ दिया लो भाई कभी साला नकली अमिताभ जी करता है कभी जीतू जी करता है कभी नकली जैकी करता है सब नकली है सब नकली काफी लेकिन मामा से पंगा असली लिया हुआ इसने वो असली ले रहा है तो कृष्णा जी के लिए जोरदार तालियां इधर आओ
इनसे मिली है वकालत की दुनिया का टेडी बेयर। ये देखो मिर्जा गालिब का भालू। इधर देख, ध्यान से देख, वो देख। हाँ, एक शायरी वाले को खा गई वो। मैंने भी तेरे लिए एक शायरी लिखी है, तेरे जैसी गंदी तरह बोलूंगा मैं भी। जरा होश में रह दोस्त, वरना चकरा जाएगा। जैसा फैल रहा है तू, किसी दिन उल्का पिंड से टकरा जाएगा। अब एक बार बता। जोरदार तालियां हमारे भालू के लिए। अर्चना जी, अब आप बताइए क्या यहाँ चल क्या रहा है? एक गाना गाता है, ये शायरियां बोलता है, एक डांस करता है, तो ये लोग सब मिलके एक बैंड क्यों नहीं खोल लेते? वैसे भी चैनल का मिलके इन लोग बैंड बजा ही रहे हैं। है? और मैं भी देख कहां बात कर रहा हूं उनसे। चले भाई, हो गया सबका खत्म। सर कप्पू। क्या कप्पू? ये औरत सेठ से पंगा ले रही है। सेठ से चरण नहीं आती, दो बच्चों के बाप के हाथ में बाहर डालती हो। वैसे मैंने वादा किया था तुझे, मैं वादा निभाऊंगा। आपको पता है ये दुनिया के लिए कपिल शर्मा है, लेकिन मेरे लिए क्या है? क्या है भाजी? ये मेरे लिए सीए है। मतलब सीए? चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा सीए जो है वो इससे हिसाब लेता है कि मैंने पिक्चरों में कितने पैसे कमाए। ये बताता है, ये बताता है। कभी नहीं सुधर सकता, मैंने इसको हमेशा देखा। इसीलिए कोई लड़की सोलो आती नहीं है। बिल्कुल। तो ये करता है ना, उसका 1% दिखाया है। मुझे तो करने नहीं देता ही। हाँ। क्यों? हाँ, सारी लाइनें कटवा। तुम्हें सूट नहीं करता फ्लर्ट। वैसे बात तो गलत थी क्या? बात गलत। तो तू ही क्यों करता है? ये लोग क्यों नहीं करते? खुद औरत बना हुआ किसके साथ? अब खत्म करते हैं इसको यहाँ और आगे शुरू करते हैं। और इस लड़की के लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां अक्षय बाजी के लिए। थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब अक्षय पाजी आते हैं तो फिर इन्हीं को पता है कि आगे शो का क्या होना है। क्या होना है? तो मेरे हिसाब से अगर आपकी इजाजत हो तो हम मेरे को-स्टार्स को बुलाइए। जी, मेरे को-स्टार्स सारा अली खान को बुलाइए। प्लीज वेलकम गॉर्जियस सारा अली खान। कॉम्प्लीमेंट तो देना चाहिए ना भाजी, आपने कहा था हेल्दी 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 फ्लर्टिंग, लाइक हेल्दी फ्लर्टिंग। बस खुद ही कह रहा है वो। ओए ना कर, मेरा रोमांस निकल जाता है। मैं जेन्युइनली पाजी बोलता हूँ, मैं हमेशा सारा को बोलता हूँ, मैं सारा का जेन्युइनली फैन हूँ। इतनी कॉन्फिडेंट लड़की और इतनी कमाल की एक्ट्रेस। और रोहित शेट्टी साहब ने एक बार इनके लिए बात करी थी, इनको खुद नहीं पता है कि ये कितनी टैलेंटेड है, हमारे शो पे उन्होंने बोला था। और आप बड़ी ही प्यारी लग रही हैं ट्रेलर में भी। थैंक यू। हाँ, अब फ्लर्ट मैं इस तरीके से घुमा के कर रहा हूँ। सारा को इंडस्ट्री में आए हुए अभी 3 साल हुए हैं और आप आज अक्षय पाजी के साथ फिल्म कर रही हैं। हाँ जी। और दूसरी बार हमारे शो पे 4 बार आ चुकी हैं आप, कैसा लगता है आपको मेरा क्रेज देख के? बहुत अच्छा लगता है कपिल जी, बहुत अच्छा लगता है। सारा आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। मैं ज्यादा देर आपको खड़ा रखना चाहता, प्लीज आप यहाँ विराजमान हो जाइए। अक्षय पाजी आइए प्लीज। आप सभी जानते हैं अक्षय पाजी के भी दिवाली पे सूर्यवंशी आई, क्रिसमस पे अतरंगी आ रही है, राखी पे ये रक्षाबंधन लेके आ रहे हैं। तो क्रिसमस से राखी के बीच में जो मकर संक्रांति होली वगैरह है, उस पे आपकी क्या प्लानिंग है? पृथ्वीराज चौहान आएगी जी, जनवरी में आ जाएगी जी, मार्च में बच्चन पांडे आ जाएगी जी, और बीच में एक कौन गिरा? गिलास गिरा आपका? गिलास क्यों? नहीं, उनका पैर टकरा है। वो बोतल देख लो सारी गिर ना जाए जी। तो ऐसे कई फिल्में। वाओ, इस फिल्म में आपका जो गाना है चकाचक बड़ा हिट हो रहा है, वो मुबारक आपको। थैंक यू जी। तो आपको कोई पूछता आप कैसी हैं तो आप क्या बोलती हैं? फाइन चकाचक। अक्षय भाई जी, सूर्यवंशी में जैसे कटरीना का नाम रिया सूर्यवंशी था, इसमें इनका भी सरनेम सूर्यवंशी है, रिंकू सूर्यवंशी। तो ऐसे मतलब कितने और आगे फिल्मों तक आप सूर्यवंशी का प्रमोशन करते रहेंगे?
आपने गन्ने की दुकान देखी है? जी। तो कैसे वो गन्ने को डालते हैं? हाँ, जूस। फिर वहां से निकालते हैं, फिर डालते हैं। जी। फिर निकालते हैं, फिर उसमें अदरक डालते हैं, फिर डाल देते हैं। जी। फिर निकालते हैं, फिर नींबू डाल देते हैं, फिर डालते हैं। जब तक निचोड़ निचोड़ के उसका मैं जूस ना पूरा पी लूं, तब तक मैं करता रहूंगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और अंदर की बताना चाहता हूँ। जैसे अक्षय भाई ये पकड़ के ये कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि रेस्टलेस हो रहे हैं। इनका ये ऐसा क्रिएटिव दिमाग है ना, इनका चलता रहता है। टी सीरीज से 150 करोड़ आ गया, टिप से इतना आने वाला है, आनंद एल राय से पीछे जाके बात करता हूँ। ये इतना इनका हिसाब किताब चलता रहता है। आप लोग समझ गए, मैं इसको सीए क्यों बुलाता हूँ। मेरे पैसों के बारे में इसको पता है सब कुछ, सारा जानता है मैंने किससे कितना लेना है। जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो, तो आपने इस फिल्म में प्रोड्यूसर को वो ट्रिक करके दिखाई थी, वो बोली जैसे प्रोड्यूसर के पैसों पे चद्दर डाल के और उसके सारे पैसे। पता, वो गीता में वाणी लिखी होती है, उसमें से एक लाइन पढ़ाता हूँ। क्या उसमें लिखा होता है? जो आज तुम्हारा है कल मेरा हो जाएगा। पाजी, बच्चों का सवाल था, वो कह रहे थे कि जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो। एक बात पूछनी है। अर्चना जी, आप तो रोज ही आती हैं इस शो पे। रोज ही आती है। तो एक बात बताओ, ये आदमी हर चीज जो इसको पूछना होता है, ये ऐसे क्यों बोलता है? बच्चों का सवाल था, अर्चना जी का सवाल है, है उसका सवाल था, कीकू का सवाल है, मतलब तू अपने सवाल क्यों नहीं पूछता? भाई, जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो जी, हाँ। तो आपके घर में जब बच्चों के लिए बर्थडे पार्टी होती है, तो जादूगर बाहर से बुलाते हो कि खुद ही बन जाते हो आप? अगर छोटी हो, 15-20 जनों की हो, तो मैं खुद ही बन जाता हूँ, वरना फिर बाहर से बुला देता हूँ अगर ज्यादा हूँ। क्या हुआ? मेरे को लगता है जादूगर को भी साइड में लेके जाते होंगे, कितने फंक्शन करता है रोज के। तुझे बता, फिल्में तो 4-5 आती है साल में, बच्चे तो हर सेकंड पैदा हो रहे हैं, कितना कमाता है तो ये भी मतलब पूरा हिसाब रखते हैं। अरे किसी पे तो नजर मत रख। सारा, हाँ जी, जैसे आपके पापा सैफ अली खान साहब, उन्होंने अक्षय पाजी के साथ काफी काम किया है। हाँ जी। तो आपकी ये पहली फिल्म है, आपने पापा से पूछा था कि पापा मैं अक्षय सर के साथ काम कर रही हूँ, कोई टिप्स दो ताकि मैं जैसे उनके सेट पे कभी लेट नहीं पहुँच सकता कोई, या और भी कई सारी टिप्स? ये तो बहुत पहले ही पता चल गया था, तो उनकी ज़रूरत नहीं थी बताने के लिए। अच्छा। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा था कि अक्षय सर के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा, जो कि आया। आपको मज़ा आया? आप खुद इतनी शरारती हैं और अक्षय पाजी भी बड़े शरारती हैं, मुझे पता है इनके सेट पे कभी कोई बोर नहीं होता? नहीं होता। शरारते भी करते रहते थे आप सेट पे? हाँ जी, मतलब मैं ज्यादा नहीं, सर करते थे। क्या करता? मैंने क्या किया तेरे साथ? सर, आपने मेरे को लहसुन खिलाया। मुझे एक बात बताना दोस्तों, लहसुन अगर किसी को मैं खिलाता हूँ, मिठाई अच्छी के बात नाम है। पर सर, आपने बोला प्रसाद है। ऐसे थोड़ी कि आपने तड़का मार के कुछ सरसों का साग खिलाया, आपने बस अखा लहसुन दिया। सर, दैट वाज रॉन्ग। सर, दैट वाज रॉन्ग। इट वाज, यू फेल्ट बैड? आई फेल्ट सिक। यू फेल्ट सिक लिटिल बिट? स्वेयर ऑन योर करियर यू एट इट। I would have felt sick if I ate it. अक्षय भाई, जैसे आपने सैफ सर के साथ भी काम किया जब वो नए आए थे फिल्मों में, उसके बाद आप सारा के साथ भी काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सी जनरेशन ज्यादा प्रिपेयर्ड है? Oh sure, my God. I think ये लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड है। हम लोग जब आए थे, हमारी प्रिपरेशन इतनी नहीं थी, हम सीखते जा रहे थे, एज एक्सपीरियंस उठाते जा रहे थे। 60-70 फिल्में करके जितना एक्सपीरियंस मिला था, ये लोग जब आए उतना एक्सपीरियंस इनको तब से आ जाता है। तारा, आपको पता है, देखो अक्षय पाजी ने शर्मिला टैगोर जी के साथ काम किया, ठीक है, सैफ साहब के साथ काम किया, अब सारा के साथ काम कर रहे हैं, और हमने एक और चीज़ सुनी है कि आपके पास एक और स्क्रिप्ट है जिसमें आप, तैमूर और उस समय जो भी हीरोइन होगी उसका लव ट्रायंगल है, ये बात सही है? हाँ। मैं तब तक काम करते रहना चाहता हूँ। हाँ। क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, जस्ट फॉर फन। इसमें आपको लगता है कोई फन लग रहा था? इसमें जिस हिसाब से इस आदमी ने पूछा है, मैं तैमूर के बच्चे के साथ भी काम करना चाहता हूँ। वाह पाजी, लव यू पाजी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।